मंडी शहर के दो युवा ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वॉरियर की भूमिका निभाकर अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी कोरोना वायरस की चपेट से अछूता नहीं रहा है। यहां पर भी काफी संख्या में कोरोना के मरीज हैं, जिसके चलते सरकार ने वहां भी लॉकडाउन कर रखा है। मंडी शहर निवासी अभिषेक अवस्थी 2008 से ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के विडोगो शहर में रह रहे हैं। मौजूदा समय में अभिषेक विक्टोरियन राज्य सरकार के मल्टी कल्चरल कमीशन के रीजनल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य हैं और लॉर्डन कैंपरेंसी मल्टी कल्चरल सर्विसेज के चेयरमैन हैं। कोरोना वायरस के कारण वहां भी जो लॉकडाउन किया गया है, उसमें अभिषेक अवस्थी फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में कार्य करते हुए कोरोना वॉरियर की भूमिका निभा रहे हैं। विडोंगो शहर में ऐसे 200 लोगों की टीम बनाई गई है जो आपदा के कारण प्रभावित हुए लोगों की मदद कर रही है। अभिषेक अवस्थी बताते हैं कि उनकी टीम हर हफ्ते 13,000 लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचाने में लगी हुई है, जिसमें राशन, सब्जी, दूध और दवाइयां सहित अन्य जरूरत का सामान मौजूद है। अभिषेक अवस्थी ने ऑस्ट्रेलिया से भेजे संदेश में भारत सरकार द्वारा समय रहते कदम उठाने की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत में जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उनका वे आभार जताना चाहते हैं, जिनके कारण देश सुरक्षित रह पा रहा है। वहीं उन्होंने लोगों से सरकार व प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने का आह्वान भी किया। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा सरकार का, जिला प्रशासन का और सभी कर्मचारियों का, स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी और मीडिया कर्मचारियों का, जो इस लड़ाई में लड़ रहे हैं और लोगों तक, घर घर तक यह संदेश पहुंचा रहे हैं। मैं आपसे पुनः यही अनुरोध करूंगा कि सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करें, अपने घरों में रहें और एक दूसरे की मदद करें। अभिषेक का छोटा भाई अच्युतम अवस्थी अक्टूबर 2019 में अपनी माता के साथ ऑस्ट्रेलिया गया था। 13 अप्रैल को इन्होंने वापस आना था, लेकिन कोरोना ने वापसी रोक रखी है। ऐसे में अच्युतम भी वहां अपने भाई के साथ समाज सेवा में जुट गया है। अच्युतम अवस्थी ने अपने शहर के लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की। अच्युतम का कहना है कि उन्हें यहाँ पर मानवता की सेवा का मौका मिला है, ऐसे में वे काफी खुश हैं। कोरोना वायरस से इस वक्त पूरा विश्व लड़ रहा है। मैं अपने भाई के पास ऑस्ट्रेलिया आया था और कोरोना के कारण यहीं पर रुकना पड़ रहा है, लेकिन खुशी इस बात की है मुझे यहाँ पर भी मानवता की सेवा करने का मौका मिला है। यहाँ के लोगों के साथ मिलकर अपनी सेवाएं देने का एक अलग एहसास है। हालांकि अपने शहर को मिस कर रहा हूँ, लेकिन खुशी इस बात की है कि मुसीबत की इस घड़ी में किसी के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। मेरा सभी हिमाचल वासियों से निवेदन है कि अपना ख्याल रखें और सरकार के निर्देशों का पालन करें। विडोगो शहर के लोग इन दोनों भाइयों की सेवाओं से काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं। विडोगो फूड शेयर के समन्वयक एनी कांस्टेबल ने बताया कि दोनों भाई अपनी बेहतरीन सेवाएं देकर समाज के लिए बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। We've been able to source over 200 volunteers to help us with all manner of things through our warehouse. We've had Abhishek and Achutam specifically come in and help us with the logistics in our warehouse, with doing food deliveries to some of our organisations in the region, which has been fantastic.